वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर पाइथन ट्यूटोरियल में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन ऑपरेटर, जिसे कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। और यहाँ पर आप सिंबल देख पाएंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल एंड नॉट इक्वल टू। इनके यूज़ से हम वेरिएबल्स के बीच, ऑपरेंट्स के बीच हम कंपैरिजन कर पाएंगे और रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ट्रू और फॉल्स में। जैसे इंटीजर फॉर्म में अगर बात करें, जीरो का मतलब फॉल्स और वन का मतलब ट्रू, तो यहाँ पर हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है वो ट्रू और फॉल्स के रूप में मिलने वाला है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल का यूज़। अगर नीचे की तरफ हम नज़र डालें तो 9 ग्रेटर देन 5 हमने चेक कराया है, बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पर हमें रिजल्ट मिला है ट्रू। लेकिन अगर 5 को ही हम कंपेयर कराएं मोर देन 5, तो ये गलत होगा, क्योंकि 5 इक्वल है 5 के अबव नहीं है। इस केस में यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिली है वो मिली है फॉल्स के रूप में। फिर यहाँ पर अगर हमने 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का इस्तेमाल करा, तो ऊपर के केस में आपने देखा था फॉल्स आया था, लेकिन यहाँ पर इक्वल भी हमने इस्तेमाल करा है, इस वजह से यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो आई है ट्रू। अगर हम नंबर और करेक्टर के बीच यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं तो उस केस में एरर आता है, हम नंबर को करेक्टर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कंपेयर किया जा सकता है। जैसे कि नीचे की तरफ अगर हम देखें, यहाँ पर हेलो को हमने कंपेयर कराया हाई से, और आप देखेंगे कि नीचे की तरफ फॉल्स डिस्प्ले हुआ है, जबकि हेलो की लेंथ बड़ी है। तो यहाँ पर लेंथ से मतलब नहीं है, शुरू के करेक्टर तो दोनों में सेम है एच और एच, लेकिन जो सेकंड कैरेक्टर है वो है ई, और यहाँ पर हाई में आई कैरेक्टर बड़ा है, और इस वजह से हेलो यहाँ पर छोटा माना जाएगा हाई से। तो इसको हम लेंथ से कंपेयर नहीं करते हैं, इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखते हैं। अगर ज़्यादा ऑर्डर वाला वैल्यू होगा प्लेसेस के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर हमें रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग मैच होता हुआ मिलेगा। नीचे की तरफ भी हमें अगर हम इक्वल भी लगा दें तो भी यहाँ पर फॉल्स ही आएगा। अब अगर हम हाई को इधर ले लेते हैं, क्योंकि हाई की रेंज ज़्यादा है एच, तो बिल्कुल सेम है ही, और आई की जो वैल्यू है वो अबव है ई से, तो उस केस में यहाँ पर हमें रिजल्ट मिला है ट्रू। इसी तरीके से अगर गो की बात करें तो ई एफ जी एच, यानी कि एच जो है जी के बाद आता है, इसी वजह से गो छोटा है हेलो से। अगर हम 5 चेक करा रहे हैं डेसिमल प्लेसेस के साथ, जैसे आप देखें 5 मोर देन 5.0, तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलेगा फॉल्स, क्योंकि ये हमारा इक्वल है, उससे अबव नहीं है। तो दोनों ही केस में अगर हम कंपेयर कराएं, चाहे वो डेसिमल से नंबर से कराएं या नंबर डेसिमल से कराएं, अगर इक्वल है तो ही रिजल्ट हमें ट्रू मिलने वाला है। नीचे की तरफ अगर डेसिमल प्लेसेस में हम देखें 2.5 मोर देन 2, तो बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलेगा ट्रू के रूप में। अगर हम नॉर्मली चेक करें बूलियन वैल्यू, जैसे नॉन न्यूमेरिकल, या यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल एक डाटा दिया है, ज़ीरो के अलावा अगर हम कोई भी नंबर डालते हैं 1, 2, 3, 4 कुछ भी, तो हमेशा उसकी वैल्यू ट्रू होगी। और अगर ज़ीरो है उस केस में हमारे जो रिजल्ट आने वाला है वो है फॉल्स। सिर्फ ज़ीरो के केस में ही फॉल्स है, बाकी अगर बूलियन वैल्यू हमने सिंपली चेक कराया है किसी भी नंबर का ज़ीरो से अबव, तो उस केस में हमें ट्रू मिलने वाला है। अब आप चेक भी कर सकते हैं, इंट अगर हम वैल्यू चेक करें ट्रू की, तो वो होती है हमारी 1, अगर किसी और की अगर हम चेक कराते हैं ज़ीरो में, तो वो हमारे फॉल्स के रूप में दिखाई देगी। तो ट्रू एंड फॉल्स जो कि हमने ऊपर डिस्कस करा था, 0 हमारा फॉल्स के लिए यूज़ होता है और 1 हमारा ट्रू के लिए, या किसी की भी नॉन बुलियन वैल्यू अगर हम चेक करें तो वहाँ पर हमें ट्रू दिखाई देगा, अगर वो 0 नहीं डाला है, 0 के अलग से हमने कुछ भी नंबर वहाँ पर पास कराया है। सेम एज अगर हम कंपेयर करें लेस देन के इस्तेमाल से, तो हमें उसी के अपोजिट रिजल्ट दिखाई देगा। यहाँ पर 4 लेस देन 5 हमने चेक कराया है, बिल्कुल ठीक बात है, 4 लेस देन है 5 के। अगर 5 लेस देन 5 कराएं तो उस केस में हमें मिलेगा फॉल्स, क्योंकि वो इक्वल है। इसी तरीके से हमने जो वैल्यू चेक कराई थी ऊपर, अगर अबव हो रही थी तो हमें मिल रहा था ट्रू, लेकिन अगर यहाँ पे लेस देन है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलने वाला है, यानी कि जो हमने ऊपर चेक करा था उसी के अपोजिट हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इस चीज़ों को चेक नहीं कर सकते, हमारा कैरेक्टर में चेक किया जा सकता है। अगर दोनों ही हमने कंपैरिजन कैरेक्टर के बीच लगाया है,
नंबर के बीच और नंबर को डेसिमल के बीच भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इनका यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इनका यूज़ किया जा सकता है डबल इक्वल और नॉट इक्वल के केस में, जो कि ऊपर हमने एक नोट में पढ़ा था। तो डबल इक्वल्स एंड नॉट इक्वल्स का हम इस्तेमाल करते हैं वैल्यू को चेक करने के लिए क्या वो इक्वल है या नहीं। जैसे 6 हमने चेक कराया है 5 से, बिल्कुल फॉल्स हमें मिलेगा। नीचे हाई को हमने हाई से चेक कराया है, स्ट्रिंग डेटा है और सेम है, तो इस केस में हमें ट्रू मिला है। अगर कैरेक्टर हमारे छोटे बड़े हैं, केस अलग है, तो भी उस केस में हमें फॉल्स मिलने वाला है, क्योंकि केस अगर सेम होगा तो ही हमारा रिजल्ट ट्रू के रूप में हमें दिखाई देगा। हम चाहें तो किसी की ऑर्डिनरी वैल्यू यहाँ पर चेक कर सकते हैं, स्काई वैल्यू। ORD के इस्तेमाल से हम डबल इन्वर्टेड कोमा में उसके अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी स्काई वैल्यू, वो यहाँ पर पता कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम ऑर्डिनरी वैल्यू को यहाँ पर चेक करें उसकी एक्चुअल वैल्यू से या किसी और वैल्यू से, तो हम यहाँ पर उसको ट्रू फॉल्स के रूप में भी चेक कर सकते हैं। अगर हम नंबर डेटा को इक्वल से चेक कर रहे हैं स्ट्रिंग डाटा के साथ, जो कि ऊपर पॉसिबल नहीं था न्यूमेरिकल और स्ट्रिंग डाटा में, बट वो यहाँ पर डबल इक्वल एंड नॉट इक्वल से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब न्यूमेरिकल और डेसिमल वैल्यू हो सकती है, लेकिन न्यूमेरिकल और कैरेक्टर में उसको वहाँ पर वो कंपेयर नहीं करेगा। अगर करना है तो हम स्काई वैल्यू के ज़रिए चेक कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ए नॉट इक्वल टू 97, यस ए हमारा 97 के इक्वल नहीं है, ये केस अलग है। नीचे हमने चेक कराया 7 नॉट इक्वल टू 3+4, और नॉट इक्वल टू का यहाँ पर सवाल नहीं होता क्योंकि 4+3 7 होते हैं और वो इक्वल है, इसी केस में यहाँ पर आ रहा है फॉल्स। इन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली अब देख लेते हैं वन बाय वन, कैसे हमने यहाँ पर यूज़ करना है पाइथन के अंदर। सिंपली हम यहाँ पर ग्रेटर देन पहले चला के देख लेते हैं, 4>3 यस ये हमारा ट्रू है। 5<5 यह हमारा फॉल्स निकलने वाला है, क्योंकि ये अगर हम चेक करें 5 के इक्वलेंट है, इसी केस में यहाँ पर ट्रू मिलने वाला है। अब मैंने यहाँ पर एक नाम डाला है पी के ग्रेटर देन एच के, यस एच के बाद ही हमारा पी आता है, उस केस में हमारा निकलने वाला है ट्रू। तो इस तरीके से हम अपने वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर से। जो आपने PDF में देखा, मैंने सारे एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन किए, उसी के बेस पर आप प्रैक्टिकली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको विजिट करना होगा www.selfadhyan.in पर। अगर आप पेड मेंबर हैं तो वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद अपने प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नए ऑपरेटर के बारे में सीखने वाले हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।